बी सी डी टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, बी सी डी में, उसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में. तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपल, आप इसे लिख लो पहले राइट साइड से. अब इसे 4 4 बिट में डिवाइड कर लो, ठीक है. फर्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, इसे 4 बिट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है. अब इनका क्या करना है, डेसिमल कन्वर्जन लिखना है. तो इसका डेसिमल में लिख लो, इस तरीके से आप लिख सकते हो डेसिमल में. तो कैसे लिखोगे, ये 9 हो गया डेसिमल में और ये डेसिमल में हो गया 2, ठीक है. अब मतलब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर लो. अब 2 9, ये आपके पास क्या आ गया, इसका डेसिमल कन्वर्जन आ गया, ठीक है. अब इस डेसिमल कन्वर्जन को अब आप इसका बाइनरी लिख लो, ठीक है. सिंपल है, 29 का बाइनरी क्या होगा, आप इसे मतलब डेसिमल टू आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है. तो सिंपल इसे 2 से डिवाइड करना, ठीक है. क्वेश्चन यहाँ लिखना है, रिमाइंडर इधर लिखना है, ठीक है. तो 29 को 2 से डिवाइड कर लो तो आ गया 14, ठीक है. रिमाइंडर हो गया 1. उसी तरह 14 को कर लो, 2 7 14, रिमाइंडर इज 0. 2 3 6, रिमाइंडर इज 1, ठीक है. फिर से 2 से डिवाइड करोगे इसे, 2 1 2, रिमाइंडर इज 1, ठीक है. तो इस तरीके से आ गया. और अब इस फॉर्मेट में आप इसे लिख लोगे, ठीक है. तो कैसे आएगा, 1 1 1 0 1, ठीक है. तो ये हो गया इसका बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है. तो सिंपल हमने क्या करा, बी सी डी टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आप पहले इसे 4 बिट में डिवाइड कर लो राइट साइड से, और उसका डेसिमल कन्वर्जन लिख लो. फिर डेसिमल में जब नंबर आ जाए तो उसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है. तो ये हो गया सिंपल बी सी डी टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है. तो ये था बी सी डी टू बाइनरी कन्वर्जन. थैंक यू.